नमस्कार, मैं प्रीति प्रीति सैफ्रॉन में आपका स्वागत करती हूँ। आज दम आलू पोस्त तो बनाएंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और घर के सामान से ही बन जाती है। ये बड़े से लेकर बच्चों तक सभी को बहुत पसंद आती है। ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। चलिए अब हम देखते हैं कि दम आलू पोस्त तो कैसे बनाते हैं। दम आलू पोस्त बनाने के लिए ये मैंने छोटे आलू या बेबी पोटैटो लिए हैं। इनको अच्छे से मैंने दो तीन बार पानी से धो लिए हैं। अब इनको हम प्रेशर कुकर में बॉईल करेंगे। अब हम आलूओं को प्रेशर कुकर में एक सीटी आने तक बॉईल करेंगे, जिससे हमारे आलू हाफ कुक्ड हो जाएंगे। कुकर का हमारा प्रेशर ठंडा हो गया। अब हम आलू चेक कर लेते हैं। आलू हमारे बॉईल हो गए। अब इनको हम ठंडा करके छील लेंगे। अब हम ग्रेवी की तैयारी करेंगे। इसके लिए हम एक पैन लेंगे। इसमें हम 2 चम्मच खसखस डालेंगे। ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको डाल देंगे। ये रफली चॉप्ड कर लिया। हरी मिर्च 2 लिए, इसको भी मैंने रफली चॉप्ड कर लिया, इसको भी डाल देंगे। ये मैंने 1/4 कप काजू लिए हैं, इनको भी डालेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया, इसको डालेंगे। अब हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, इससे कलर भी बहुत अच्छा आता है, तीखी भी कम होती है। 1/4 चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे। 1 चम्मच हम नमक डालेंगे और इसमें हम 1/4 कप पानी डाल देंगे और इस सभी को हम 15 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारे काजू भी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको हम ठंडा करके मिक्सी में पेस्ट बना लेंगे। हमने मिक्सी में पीस कर पेस्ट बना लिया है। हमने आलूओं को छील लिया है। अब इनको हम सैलो फ्राई करेंगे। हमने एक पैन लिया है, इसमें हमने 2 चम्मच सरसों का तेल डाल लिया है। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम आलूओं को डाल देंगे। आलू हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम पेस्ट को आलूओं में डाल देंगे। अब इसमें हम मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के फिर डालेंगे। और इसको मिक्स करेंगे और इसमें हम लगभग 1/2 कप पानी और डाल देंगे। और लिड लगाकर हम इसे 2 मिनट तक पकाएंगे। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। हमारे दम आलू पोस्त तो बनके एकदम तैयार है। अब इनको हम सर्व करेंगे। दम आलू पोस्त तो हमारा बनके तैयार है। आप इसे लंच या डिनर किसी में भी सर्व कर सकते हैं। यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगली रेसिपी के साथ आपसे मिलते हैं। नमस्कार।